गुरुग्राम में चल रही एक फैक्ट्री में सैकड़ों लोगों से हो रहा है सेहत के साथ खिलवाड़। 7 लाख से कारोबारियों के लिए कांग्रेस का ऐलान। केंद्र में आए तो 10 दिन में बंद होंगी सेलिंग। शीला दीक्षित ने दिल्ली में बसपा सुप्रीमो मायावती को दिया बड़ा झटका। अब खबरें विस्तार से। गुरुग्राम के कांदीपुर रिहायशी इलाके में एक फैक्ट्री अवैध रूप से चलाई जा रही है। स्थानीय लोगों को इस फैक्ट्री के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फैक्ट्री में अवैध रूप से कई तरह के केमिकल इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिसके स्थानीय लोगों को काफी खतरनाक बीमारियों का डर भी बना हुआ है। फैक्ट्री में फाइबर कटिंग से लेकर तो खतरनाक केमिकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। प्रशासन भी अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। 7 लाख से कारोबारियों के लिए कांग्रेस का ऐलान। केंद्र में आए तो 10 दिन में बंद होंगी सीलिंग। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो दिल्ली के व्यापारियों को 10 दिन के भीतर सीलिंग से नियात दिलाई जाएंगी। इससे विपरीत अगर भाजपा की सरकार आती है तो दिल्ली में सीलिंग का भी बस्तूर जारी रहेगा। अजय माकन ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा आयोजित समर्थन एवं संवाद कार्यक्रम चुनाव के लिए समर्थन का ऐलान किया था, जहां उन्होंने यह घोषित किया था। शीला दीक्षित ने दिल्ली के बसपा सुप्रीमो को दिया बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने राष्ट्रीय लोक दल के साथ गठबंधन करके कांग्रेस पार्टी को अलग थलग कर दिया है। इसकी टीस भी कांग्रेस नेता में दिखाई दे रही है। इसी बीच कांग्रेस ने बहुजन समाजवादी पार्टी मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल दिल्ली के कई बसपा नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करने में सफलता प्राप्त की है। जानकारी के मुताबिक बसपा के दक्षिणी दिल्ली प्रभारी व विजवासन से 2015 का चुनाव लड़े योगेश गाड़े आजाद हिंद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णपाल गहलोत और अपने स्टेट पार्टी के साथ अजफर से 2017 में बीएसपी उम्मीदवार के रूप में निगम चुनाव लड़े रघुनंदन शर्मा, उमेद खान, ओमकार सिंह अपने साथियों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।